वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत इंडिया के दो सिटीज शामिल हैं, एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहां पे आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022। उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है। सो ये जो अब एक चीज है, और आप देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। दुनिया भर में जो टूरिस्ट की फी है वो 90 यानी $9 है, इंडिया में हमारी $90 है। हमारे यहाँ टूरिस्ट कैमरा लेके वैलीज में नहीं जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात, सबसे ज्यादा आसान इंडिया से चीजों को अडॉप्ट करना, तो हमें कर लेना चाहिए जो चीजें बेहतर हैं, जो अच्छी हैं। चाइनियों ने क्या दिया? कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे। इलेक्शन कमिश्नर खुद, इलेक्शन कमीशन जो है खुद मान रहा है कि जी गलती से 40 लाख वो अफराद जो कि इस दुनिया में ही नहीं है, उनका वोट कंप्यूटर की गलती से कुछ हो गया। बात की जाए ना अभी की करंट पॉलिटिक्स की, तो उस हिसाब से तो भाई मोदी साहब बहुत बेहतर हैं। इंडिया में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पावर किसके पास है? इंडिया में पता है पावर पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो वेयर द प्राइम मिनिस्टर सी, एवरीबॉडी लुक्स दैट साइड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब की रेटिंग दिन ब दिन आसमान को छू रही है और पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। सारे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश करने के लिए इस समय तरस रहे हैं। दूसरी तरफ टाइम्स पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। इन दोनों स्थानों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है, यानी घूमने फिरने के लिहाज से दुनिया की जो 5 सर्वश्रेष्ठ जगह हैं, उनमें से 2 भारत में हैं। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों स्थलों का नाम दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ जगहों में आने से देशवासियों को बधाई दी है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारा कोई भी शहर इसके लिए नहीं चुना गया, जबकि भारत के 2-2 स्थल इसके लिए चुने गए हैं। एक और खबर ये है कि मैं ये देख रही थी कि टाइम मैगजीन जो है वो ये बता रहा था कि वैसे तो टाइम मैगजीन में अक्सर औकात इस तरह की कुछ सर्वे आते रहते हैं कि कौन से बेस्ट कंट्रीज हैं, कौन से बेस्ट सिटीज़ हैं। तो अभी जो इस वक्त जो एक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 50 के करीब सिटीज़ दी हैं, जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022, कि जहाँ पर आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन असल में ये जो कुछ होता है कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें आप टूरिज्म के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ये प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत इंडिया के 2 सिटीज़ शामिल हैं, एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। अब इसमें शामिल होने की मुख्तलिफ रीजंस हैं, जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे अहमदाबाद में जो है वो योगा के लिए बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्लेसेस बनाई गई हैं, फिर वहाँ की उन्होंने जामिया मस्जिद की भी जिक्र, बहुत सारी वहाँ पे ऐसी प्लेसेस हैं कि जिनको जो है वो पसंद किया जाता है। फिर केरला का उन्होंने वहाँ पर जो ब्यूटी है, बीचेज़ और फिर एलिफेंट्स के हवाले से जो एलिफेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पर, वो सारे उसकी बात की गई है। तो लेकिन पाकिस्तान का मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान का इस मरतबा कोई नाम आया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये जो इस तरह की एक लिस्ट थी उसमें कराची का नाम आया था। कराची जो है वन ऑफ दी बेस्ट सिटीज़ कुछ इस तरह का था सर्वे वो, लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। हालांकि मौसम ऐसा है, अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा कालाम, कैलाश वैली और फिर ये कि केटू और माउंट एवरेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये कि चोटियां सर करने के लिए मौजूद हैं वैसे तो वहाँ पर जो है वो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात हैं और ये सब सोच के, बहरहाल हर एक मे बी कि नेक्स्ट टाइम वो दे दें, अगले सर्वे में शामिल कर दें, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान का शामिल नहीं है, भारत के 2 सिटीज़ शामिल हैं। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पर आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। फॉरगेट अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है। सो ये जो अब एक चीज है, और आप देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। उधर वो क्वाड में बैठे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट में जा रहा है, ये आपने देख लिया, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की बात सुन ली।
अब आगे सुने क्लीन एनर्जी के लिए जो क्या कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पे वो 300 मेगावाट जो है वो विंड एंड सोलर कैपेसिटी की जो है वो के प्रोजेक्ट्स लगाने लगे हैं, जो कि बैटरी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसका होगा। अब यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसने एक फंड की थी फिजिबिलिटी, वो $330 मिलियन का यूएस का प्रोजेक्ट था। अब इसमें यूएई की कंपनीज भी जो अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हैं कि हमने ये क्रिटिकल नॉलेज एंड किस तरह हम इसके इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं। सो फॉरगेट फॉरगेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है। सो दे आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे आर पिकिंग अप इंडिया एज ए मेन कंट्री, एंड वी नीड टू हैव रिसोर्सेज एंड वी नीड टू हैव मनी एंड वी नीड टू मार्केट आवरसेल्फ। और ये लड़ाइयां लड़ना आपस में बंद करेंगे तो दैट्स द ओनली वे। इंडिया में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पावर किसके पास है? इंडिया में पता है पावर पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो वेयर द प्राइम मिनिस्टर सी एवरीबॉडी लुक्स दैट साइड। सो ये चीजें हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी तो देखता पता नहीं है, आज मैं इमरान खान साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे ओए चोर वजीर आजम, ओए वजीर आला हमजा कुकड़ी। मतलब दिस इज हाउ द लेवल ऑफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु डज अ पॉलिटिकल कैंपेन इन लाहौर, and he names and shames his opponents with this way by naming them, by shaming them and by calling their bad names. to is tarah to mulk nahi chalte na. ab zari baat hai ek jaise wo kehte hain na ki ji humne innovation ki baat karni hai, inclusiveness ki baat karni hai and science based solutions to the food security ki baat karta hai americans, aur wo saath mein india ko bhi pick kar rahe hain aur hame chinese ne kya diya, karze hi karze। और हमारे लीडर तो बड़े खुश थे, शुक्र है कहीं से पैसा आया यार, पैसे ही नहीं आ रहा था। हम तो सीपैक से बड़े खुश थे यार, एटलीस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से तो कोई पैसा आया है, क्योंकि पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा था। अमेरिकन तो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, तो हम तो ये कहते हैं यार के जरिए जंग होवे साड़ी लोड़ पवे तो सानू जनाब जो साड़ी लोड़ पेगी तो असी सानू भी चार छिलू लग जाती है। सो दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग एंड दिस इज नॉट हाउ यू कैन फीड योर 220 मिलियन पीपल एट द एंड ऑफ द डे। दुनिया भर में जो टूरिस्ट की फी है वो 90 यानी $9 है, इंडिया में हमारी $90 है। हमारे यहाँ टूरिस्ट कैमरा लेके वैलीज में नहीं जा सकता, तो मैं इसकी तफसील लंबी आपको बयान कर सकता हूँ। पहले तो यही अजाब कम नहीं था, ऊपर से अब ये बाजौड़ का जो जिरगा है उन्होंने आखिरी कील ठोंक दी है। मतलब ये कि ना सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन सैयार नहीं जा सकती उन इलाकों में, जब वो अपनी ख़वातीन को रोक रहे हैं तो बाहर की को कैसे जाने देंगे? ये हो क्या रहा है? ये whose agenda is this? उनको रोकना चाह रहे हैं कि वो आना यहाँ बंद कर दे? खुदा के वास्ते मुल्क के ऊपर रहम करें, कौम के ऊपर रहम करें। इफ्तिखार साहब क्या करें फिर, क्या करें हम? ये मैं तो सर मैं तो इस रवैये के सख्त मुखालफत करता हूँ। ख्वातीन को मैं इंसान समझता हूँ जिस तरह मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ, मैं खातून को भी उतने ही मुकम्मल इंसान समझता हूँ। मैं उसकी उतनी इज्जत करता हूँ जो जितनी इज्जत मैं किसी मर्द की करता हूँ। उसकी अगर ख्वाहिश है कि वो टूरिज्म में जाना चाहती है, वो टूर प्लेसेस पे जाना चाहती है, उसका हक है नहीं बट कि वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखे, इलाकों की खूबसूरती देखे एज ए पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी।